नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसे एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गाय पालने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऐसा नहीं है लोग शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, लेकिन आज भी लोग गायों को अपने घर में पालते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं और वो लोग भी गाय को अपने घर में पालते हैं। कहते हैं कि गाय को पहली रोटी देना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में रोटी बनाते हैं तो अगर पहली रोटी अगर आप गाय को खिलाते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आती है। कहते हैं प्रत्येक मांगलिक कामों में गाय को अवश्य शामिल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भोज होता है या फिर कोई त्यौहार होता है या फिर हम कोई साप्ताहिक व्रत रहते हैं तो पहली रोटी या पहला पराठा या पहली पूड़ी हम गाय के नाम की ज़रूर निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा करने से हमारे घर में धन धान की बढ़ोतरी होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे घर पे कभी भी काल नहीं मंडराता है। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। जो आपके 9 ग्रह हैं, जो भी अगर कोई भी ग्रह आपका ख़राब है, अगर आप गाय की पूजा करते हैं, गाय की आराधना करते हैं। गाय की पूजा का मतलब क्या होता है? गाय को रोटी खिलाना, गाय को हरा चारा देना, यही गाय की पूजा होती है। उसे नुकसान ना पहुंचाना, यही गाय की पूजा होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कोई भी ग्रह क्यों ना ख़राब हो, वो भी अच्छा होता चला जाता है। बच्चे अगर कहने से बाहर हों, जो बच्चे होते हैं आजकल के बच्चे कहना नहीं मानते हैं, ऐसे बच्चों को गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवाकर खिलाएं, ऐसा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से बच्चे जिद्दी कम होते हैं। प्रतिदिन सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाए। जो भी बनता है आपसे, जो भी आप दान कर सकते हैं, बहुत लोग होते हैं चारा दान करते हैं, जो भी जितनी आपकी हैसियत है, जितना आपसे बन सके, 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, जितना भी आपसे बन सके, आप गौशाला में महीने में एक बार जाकर कुछ ना कुछ दान करके ज़रूर आए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके परिवार पे कभी संकट नहीं आता है। ऐसा करने से आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कहते हैं कि सुख समृद्धि आती है, धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से जीवन में जो अचानक संकट आते हैं, जो कभी कभी आ जाते हैं ना अचानक संकट, हम देखते रह जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और हमें समझ में नहीं आता, तो समझ जाइए कि वो संकट नहीं आते हैं। आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।